पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरी इलाके में शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक पर चाकुओं से भी वार किया है। ऐसे हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। घायल की पहचान आसिफ के तौर पर हुई है। आसिफ त्रिलोकपुरी की सब्जी मंडी में दुकान लगाता है। सोमवार देर शाम आसिफ अपने घर के बाहर बैठा था, तभी कुछ लड़के वहां पहुंचे। उनके हाथ में पिस्तौल और चाकू था। एक लड़के ने आसिफ के ऊपर फायरिंग कर दी, गोली उसके पैर में जा लगी। इसी बीच दूसरे लड़के ने आसिफ पर चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसिफ के पिता घर के बाहर निकले तो सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। आसिफ ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। बेटे के साथ आज क्या घटना हुई? आज मेरे बेटे के साथ मैं घर पे बैठा था, घर से ले गए। कितने लोग थे? चार लोग थे। हथियार लेके घुसे थे? हथियार लेके। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में आज के साथ लड़के को गोली चलाई, मैं तो आवाज दी, मगर रुक क्या कर रहा, चक्कू को जाए चालू कर दे। अच्छा, चाकू भी थे उनके और चाकू बंदूक भी थी? हाँ, ये बूंदा गिरता है जो गोली चलाई एकदम करवट ली थी, इसकी पैंट में कोई अच्छी वाली करी। अच्छा, जब ये हादसा हुआ अस्पताल कौन लेके आया? अस्पताल में लेके आया पुलिस वाले, जेल बस्ता भी गिर कर दी। कौन कौन थे पुलिस वाले? वो फर्स्ट पद सिपाही। क्या क्या नाम है उनका? अलग बहुत सीढ़ी थे एकदम छुप बैठ रहा, तेरे दंडे गोली लगी, गोली नहीं लगी। अच्छा, कौन कौन बोल रहा था? क्या नाम? पुलिस वाला। कांस्टेबल का क्या नाम? मेरा नाम का नहीं पता, बालिका लॉज भी करता था मेरे को। अच्छा, हालत कैसी है बासी? गंभीर। खतरे से बाहर बताइए, फिलहाल बच जाएगी जान? क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी? 40 साल होने बुक के चला था। अगर मैं मयूर बिहार इलाके में किसी अफसर ने देखा हो, मेरा नाम मांगे है, मैं बैल बुक के चला हूँ, मेरा छोटा बुक के चला था, थाने के सामने में 13-14 साल में थाना मेरे के लिए इतने बढ़िया। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे, ना दुश्मन आ गई है मेरे लड़के की, सिर्फ यही बात थी। कल मेरे आती है कम दारू मत पी, कल तेरी भाड़ू छोड़ते मारे गुड़ी मारे। पहले मेरा सामान आपकी दुकान के आसपास दुकान पे नहीं लेते हैं। अच्छा, इसी बात को लेके झगड़ा हुआ है क्या आज? कल। अच्छा, कल हुई थी क्या उसमें? अच्छा, आज 4-5 कल जब कहा सुनी होगी आपने, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दी? अरे मैं कहीं पता हूँ, मोहल्ले की बात है, आप कह रहे लेने चल, इतनी बड़ी वारदात का थोड़ा पता करना। मेरी गल कहती हुई, मैं 2-24 घंटे जंगल में रहता हूँ, बैल बुकी चलाता हूँ, मेरा लौंडा भी मेरे साथ रहता है बचपन से, आसिफ ये बेलदारी भी करता है मेरे साथ, बुक्की भी चलवाता है। उन्हें आरटी करना है, मैं मेरे हस्बैंड हम इसी को शादी फंक्शन में जाने के तैयार हो रहे थे। मेरे हस्बैंड नीचे चले गए, मुझसे कहे तुम बच्चों को तैयार कर दो, मैं बच्चों को तैयार करी थी। हमारे अंडे की दुकान है। कौन से ब्लॉक में है? 20 ब्लॉक में, मंडी में, सब्जी मंडी में। जी जी, 20 ब्लॉक में सब्जी मंडी में हमारी अंडे की दुकान है। वहाँ पर ये नासिर और बाहुबली, जिसको सोहेल कहते हैं, सोहेल बाहुबली और दो लड़के और उसके साथ में, ये 3-4 जने अंडे खाने आए। इन्होंने मेरे हस्बैंड से अंडे के पैसे मांगे, इन्होंने हमारी दुकान में लूट मार करने लगे। ये लूट मार करने आए थे मैडम, आपके परिवार में लूटपाट क्या कुछ सामान गायब हुआ? लगभग कितने? 5,000 रुपए। 5,000 लगभग? 5,000 रुपए। इसमें कितने लोग शामिल हैं इसके अंदर? इसमें कितने लोग शामिल हैं झगड़ा करने में? आपसे कितना झगड़ा हुआ? 4 जने तो थे सर उस टाइम पे वहाँ पर झगड़ा करने में। अच्छा, कुछ नाम पहचान उनकी? हाँ, पहचान है। एक लड़का नासिर है, पीछे में गली का नासिर है, ताहिर का भाई। अच्छा, नासिर है ताहिर का भाई। एक है सोहेल, जिसे बाहुबली कहते हैं, वो नासिर वहाँ का चाकू मार के, वो पहले ही फरार चल रहा है, ठीक है, उसको केस होंगे आप देख लीजिए। उसके बाद में सोहेल है बाहुबली, उसने पीछे से रोड मारी मेरे हस्बैंड के, यहाँ टाके आए मेरी नेताई बोलने के लिए। 20/76 में नेता है वो बाहुबली, और जो नासिर है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।